मैं हिस्सामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा में आज जमाते इस्लामी हिंद के तरफ से मस्जिद परिचय नाम से तनवर नगर की अलक्सा मस्जिद में नॉन मुस्लिम लोगों को मस्जिद में होता क्या है इसके बारे में जानकारी दी गई है कि कैसे मस्जिद में दाखिल हुआ जाता है, कैसे वजू किया जाता है और 5 वक्त की नमाज कैसे अदा की जाती है। अक्सर नॉन मुस्लिमों के दिल दिमाग में कुछ शरारती लोग या फिर किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग मस्जिद और मदरसे को लेकर नॉन मुस्लिमों में गलत मैसेज देते हैं कि यहाँ पर तलवार रखी जाती है, यहाँ बम बनाए जाते हैं, तरह तरह के गलत चीज़ों से जोड़कर लोगों के बीच में गलत मैसेज पहुँचाते हैं। मगर आज कुछ नॉन मुस्लिमों को तनवर नगर की अल अक्सा मस्जिद में अजान के मायने क्या हैं, वजू और नमाज खास करके मस्जिदों के बारे में पूरी जानकारी इन नॉन मुस्लिमों को बताई गई। मस्जिद में सिर्फ और सिर्फ नमाज होती है, इन नॉन मुस्लिमों ने भी काफ़ी तारीफ की है। इन्होंने कहा कि मस्जिद एक पवित्र जगह है और यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। कुछ लोग मस्जिद मदरसों के बारे में गलत बातें करते हैं मगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मस्जिद में सिर्फ अजान और नमाज होती है। जमाते इस्लामी हिंद के मुमरा के सदर सैफ आसरे और एक नॉन मुस्लिम आसरे सिंह ने क्या कुछ बताया है मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए, आपको सुनाते हैं। आज जमाते हिंद के तरफ से इस मस्जिद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। खास तौर पर यहाँ पर देखा गया कि नॉन मुस्लिम को बुलाया गया था और उन्हें नमाज और वजू के बारे में तमाम जानकारियाँ इस प्रकार की दी गई है। क्या बताना चाहेंगे आप इस बारे में? मेरा नाम सैफ आसरे है। जमात इस्लामी हिंद मुमरा ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया था तनवर नगर मस्जिद के अंदर, क्योंकि हमारे जो गैर मुस्लिम भाई है, मुस्लिमेतर बंधु है, उनको बुलाए और उनकी गलत फहमियाँ जो है दूर करे कि मस्जिद में जो है अजान किस लिए होती है, नमाज किस लिए होती है, ये बताने के लिए हम लोगों ने जो है ये कार्यक्रम अरेंज किया था। क्या क्या यहाँ पर उन्हें बताया? हमने उनको बताया मतलब शुरू से लेकर आखिर तक कि किस तरह मस्जिद में दाखिल होते हुए कौन सी प्रार्थना करते हैं कि अल्लाहुम्म इफ्ताह या बाब रहमतिक, कि हे ईश्वर जो है हमारे ऊपर दया और कृपा के दरवाजे खोल दे। उसके बाद में जो है फिर हम अंदर जाके उनको जो वजू करना बताए, वजू जो है प्रैक्टिकल करते हुए उनको बताया कि वजू किस तरह, वजू एक सफाई है नमाज के लिए, पवित्र रहने के बावजूद एक एडिशनल जो है सफाई जो है की जाती है वो बताई गई। उसके बाद फिर उनको अंदर ले जाके जो है नमाज का टाइम टेबल बताया गया कि किस वक्त जो है अजान होती है और किस वक्त ये 5 नमाजें होती है वो। उसके बाद नमाज का डेमो बताया गया कि नमाज जो है किस तरह पढ़ी जाती है और नमाज में क्या क्या जो है प्रार्थना की जाती है बताया गया। ऐसा क्या वजह थी कि जो इस तरह की जानकारी नॉन मुस्लिम को यहाँ पर दी गई और क्या मकसद था इसका? ये मस्जिद परिचय का कार्यक्रम तो हम लोग जो पिछले 4 सालों से कर रहे थे, हमने शुरू किया था और ये महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि जो भारत भर में जो है फैला था, लेकिन कोविड के बाद जो ये बंद हो गया था और उसके बाद जो है वो अब दोबारा कहीं ना कहीं शुरू करना था। उसके बाद अभी जो माहौल बना है उसमें जो है गलत फहमियाँ जो है लोगों को जो है शुरू की फैलाई जा रही लोगों में, तो हमने सोचा कि वापस से ये दोबारा जो है वो शुरू किया जाए और जो है लोगों की गलत फहमियाँ दूर हो। और इसी तरह में होता क्या है उसके बारे में अपने जानकारी जी, मस्जिद में अंदर क्या होता है, लोगों के बहुत सारी गलत फहमियाँ है कि मस्जिद में जो है तलवारें रखी रहती है, ये रखा रहता है, वो रखा रहता है, तो उनको प्रैक्टिकल बुलाया गया क्या है आप अंदर आके देखे क्या होता है मस्जिद के अंदर, क्या इबादत करते कैसे करते कैसे होते हैं। महाराष्ट्र में देखा जा रहा है विवाद चल रहा है मस्जिदों में लगे माइक को लेकर, लाउड स्पीकर को लेकर, 3 तारीख तक का उसे अल्टीमेटम दिया गया है महाराष्ट्र में निर्माण सेना की तरफ से तो उतार दिया जाए, तो खासतौर पर इस पर जमात इस्लामी हिंद का क्या इससे कहना है? हमारा ये कहना है कि जो है हर इंसान ने कायदे का पालन करना चाहिए। हिंदुस्तान में ऐसा कोई कायदा नहीं है कि भोंगे हिम्मत लगाए, बल्कि हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है, उसके अंदर हर समाज को हर धर्म को जो अपनी इबादत करने की जो है वो अनुमति है। भोंगे जो है वो इबादत के बुलाने के लिए इस्तेमाल होते, ये आज से नहीं हो रहे, हमेशा से हो रहे, इसको उतारने का कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं है। उसको जो है वो एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर जो है लोगों के वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है, इसमें लोगों को नहीं फंसना चाहिए, मुसलमानों को भी उस ट्रैप में नहीं आना चाहिए कि जो है रिएक्शन में कोई चीज़ें बातें करे, और हमारे हिंदू भाई है उनको भी जो सोचना चाहिए कि ये जो गुमराह करने की कोशिश कर रहे, भटकाने की जो है दिशा भूल करने की कोशिश कर रहे, इससे समाज का नुकसान होगा, सिर्फ जो है वो
अपने राजकीय फायदे के लिए चंद लोग जो है करते हैं उनका फायदा होगा, बाकी जो समाज है उसका नुकसान है, इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। ये सब बेकार और फालतू बातें हैं जो ये। आज आपको यहाँ पर मस्जिद में बुलाया गया था, देखा जा रहा है आपके साथ में और भी तमाम नॉन मुस्लिम लोग हैं, मस्जिद में यहाँ पर बुलाया गया था, क्या आपको यहाँ पर जानकारी दी गई, क्या बताएंगे? यहाँ पर इनके धर्म के बारे में बताया गया, मतलब ये लोग मस्जिद में क्या करते हैं एक्चुअली। जैसे हम लोग मंदिर वगैरह में जाते हैं, पूजा करते हैं अपने भगवान की, वैसे ये लोग मस्जिद में आते हैं, ये भी अपने भगवान की पूजा करते हैं, लोगों की भलाई के लिए दुआ करते हैं। जिस तरह से एक ट्रेंड चल रहा है, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं कि मस्जिद में, मदरसों में, और वो भी खास तौर पर मुमरा का नाम सामने आ रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि वाकई में मस्जिद और मदरसों में बम तलवार वगैरह इस तरह की चीजों का इस्तेमाल होता है, बनाया जाता है, आपको क्या लगा? आपने भी यहाँ मस्जिद में आए, ऐसा क्या क्या महसूस किया? नहीं, यहाँ पे तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है, यहाँ पे मुझे कुछ भी मतलब गलत, अनलीगल, गैर कानूनी नहीं दिखा। क्या कहेंगे मस्जिद के लाउड स्पीकर को लेकर, जिस तरह से महाराष्ट्र में काफी घमासान मचा हुआ है, लाउड स्पीकर हटाने की मांग की जा रही है, मात्र देखिए से दो मिनट के अजान पर लोगों की आपत्ति जताई जा रही है, कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो इसका विरोध कर रही है। सर ये क्या है, बहुत बड़ा मतलब सवाल आपने बहुत ऊंचा कर दिया है, मतलब ये इसके बारे में अपनी राय नहीं दे सकता हूँ, लेकिन ये गलत हो रहा है जो भी हो रहा है, जो बरसों से परंपरा चली आ रही है उसको कायम रखना चाहिए, और बाकी बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं मतलब इस पे आपको आंसर नहीं दे सकता हूँ।